बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आली वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आली वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आली वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुभान व तआला का बेहद करम, बेहद फजल, बेहद शुक्र जिन्होंने मौका और तौफीक अता फरमाई, जिंदगी की बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अल्लाह सुभान व तआला के फजल व करम से बात बनी हुई है। मालिक सब की बात हमेशा बनाए रखें। मालिक सब पर करम, फजल, रहमत का साया हमेशा फरमाए रखें। इंसान जब इस दुनिया में आ गया है तो खुशी और गमी, दुख तकलीफ, ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियों का अगर आप मुताला करें तो कैसी कैसी मुश्किलात से वो गुजरे, उन्हें भी अजमाया गया। जितना बड़ा जिस नबी का मुकाम और मर्तबा, उतनी ही बड़ी उसके लिए आजमाइश भी होती, मगर वो हस्तियां साबित कदम रहती। किसी को आग में जलना पड़ा, किसी के जिस्म के दो टुकड़े हो गए, तरह तरह की आजमाइश आई, मगर वो सब्र के साथ डटे रहे। मुसीबतों और जिस्मानी और रूहानी तकलीफों पर अपने नफ्स को इस तरह काबू में रखना कि न जुबान से कोई बुरा लफ्ज निकले, शिकवा हो, और न घबरा कर परेशान हाल होकर इंसान इधर उधर भटकता और भागता फिरे कि मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे बड़ा दुख तकलीफ पहुंचा है। बड़ी से बड़ी आफतों और मुसीबतों के सामने अज़्मो इस्तक़लाल के साथ जम कर डटे रहना, इसका नाम सब्र है। दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत आने में बंदा ववेला भी मचाए और फिर जब अपनी भड़ास निकाल ले, सब कुछ कर ले, फिर इंसान समझे मैं सब्र भी कर रहा हूं, तो उसको सब्र तो नहीं कहते। सब्र ये है कि आपकी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज ना निकले जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना पसंद हो। सब्र अगर करेंगे उसके बाद इनाम ही इनाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा इनाम क्या है? अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, यानी सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला की मदद हुआ करती है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फसबिर कमा सबरू उलुल अज़्म मिनर रुसुल, यानी ये महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप उसी तरह सब्र करें जिस तरह तमाम हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया। ये दुनिया है, इस दुनिया में रंज और राहत और गम और खुशी, इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। जो भी शख्स, जो भी इंसान इस दुनियावी जिंदगी में आया, उसे तकलीफ और आराम, गम और खुशी, दुख दर्द, इन तमाम चीजों से उसका पाला पड़ना जरूरी है और पाला पड़ेगा। हर इंसान पर लाजम है कि कोई नेमत और राहत मिले तो उस पर खुदा का शुक्र अदा करे, और कोई तकलीफ, गम, दुख पहुंचे उस पर सब्र करे। सब्र की आदत एक नहायत ही बेहतरीन आदत है। सब्र का फल हमेशा मीठा हुआ करता है,
बेशक मिलता थोड़ी देर से है। इंसान को दुख तकलीफ से गुजरने के बाद फल उसका जरूर मिलता है और होता भी अच्छा है, मगर कब मिलेगा जब सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। और हर मर्द हो या औरत, हर एक को मुश्किल वक्त में सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, कामयाबी के साथ डटे रहना चाहिए और इन दुख तकलीफ परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। इंसान बाद औकात जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी इंसान को कोई मुकाम और मर्तबा अता फरमाना चाहते हैं, दुनियावी नेमतें उसे अता फरमाना चाहते हैं, फिर उसे एक मराहिल से गुजारा जाता है, उस मराहिल से गुजरना पड़ता है। जैसे कोई इंसान है जिसे मालिक ने चुन लिया अपने इनामो इकराम के लिए, दुनियावी नेमतों के लिए, मगर वो इबादात के जरिए उस मुकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच पा रहा जो मालिक ने उसके लिए मुख्तस कर दिया कि इस बंदे को मैंने यह अता करना है। अब जब वो इबादात के जरिए वहां नहीं पहुंच पाता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे किसी बीमारी में, दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी में मुबतला कर देते हैं। मुबतला करने वाली जात कौन है? अल्लाह सुबहान व तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन। फिर जितनी उसे तकलीफ मिलती है मालिक उतना सब्र भी अता फरमा देते हैं, और सब्र कौन दे रहा है? रब्बुल आलमीन की जात। क्यों? उसके लिए जो इनाम व इकराम रखा है, नेमतें रखी हैं, वो उसे अता फरमानी है, मगर एक प्रोसेस से इंसान को गुजारा जा रहा है, दुख तकलीफ परेशानियां साथ साथ है, उस मराहिल से इंसान गुजर रहा है, ये मुश्किल वक्त गुजर जाता है। जब वो मुश्किल वक्त गुजर जाता है फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को अपने इनाम व इकराम से नवाजता है, चाहे वो दुनियावी नेमतों की सूरत में हो, आखरत की नेमतों की सूरत में हों, मगर मुश्किल वक्त से इंसान को गुजरना पड़ता है। और जितनी भी हमारी माएँ बहनें, दोस्त अहबाब हैं, किसी भी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं तो शिकवा जुबान पर ना लाएं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हर तंगी के बाद आसानी है, सब्र के बाद मीठा फल है, ये अपना जहन नशीन कर लें कि वो मालिक हमें अजमा रहा है और हर अजमाइश के बाद उसका इनाम और इकराम भी जरूर मिलता है। जो अजमाइश या अजाब, अजमाइश वही है जो आपको अपने रब के करीब कर दे, अगर दूर करे तो फिर वो अजाब है, अजमाइश नहीं। जो अजमाइश होगी वो आपको अपने रब के करीब करती जाएगी, कुर्ब नसीब होगा, सब्र खुद ब खुद आता जाएगा, आपके दिल में सब्र पैदा कर दिया जाएगा। तो कोई भी दुख तकलीफ परेशानी अगर मिल जाए तो सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें, सब्र करेंगे इनाम व इकराम से नवाजे जाएंगे। अगर वबेला करेंगे, हाय में मर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर क्या होता है? इनाम व इकराम से भी इंसान दूर हो जाता है और दुनिया वालों के सामने भी जलील और रुसवा होता है। किस वजह से? सब्र का दामन आज से छूटने की वजह से। यह एक जहन में बात जहन नशीन कर लें कि हर दुख तकलीफ परेशानी, गम खुशी, नेमतें जवाल, ये सब रब्बुल आलमीन के हुक्म से और उसकी तरफ से है। हर दुख तकलीफ परेशानी के बाद वो इंसान को बेशुमार नेमतें नवाजता है। एक वक्त होता है इंसान के पास शायद एक लुकमा भी खाने के लिए ना हो, उसके उस वक्त को देखा जा रहा होता है, इस मुश्किल वक्त में इंसान क्या करता है,
जब उसके पास एक लुकमा खाने तक नहीं। ऐसे मुश्किल वक्त में अगर इंसान को कुछ मिले, वो अपने बजाय दूसरों को पेश कर दे, या उस मुश्किल वक्त में सब्र का दामन हाथ से ना जाने दे, फिर जब वक्त गुजरता है, रब का इनामों इकराम होता है, नवाजशों की बारिशें होती हैं, रहमतों का नजूल होता है, वो शख्स जिसे एक वक्त का लुकमा खाने को नहीं मिलता था, उसके दस्तरखान चल रहे होते हैं, मखलूके खुदा खा रही होती है। सब्र किसने किया? एक इंसान ने। उन गमों पर दुख तकलीफ कर सब्र एक इंसान ने किया। उस एक इंसान के सब्र करने पर रब्बुल आलमीन उसकी वजह से उसके सब्र के इनाम इकराम में कितने लोगों को नवाज रखा होता है। सब्र एक ने किया, दस्तरखान सबके लिए बिछ गया। वो रब है, उसके लिए कोई मसला नहीं। कोई भी दुख तकलीफ परेशानी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दें। कोई भी परेशानी हो दुनिया की, दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दें। घरों में पढ़ाएं, बच्चों को इस पर लगाएं, देखिए फिर गम दुख तकलीफ किस तरह आपकी दूर होती है और किस तरह रहमतों का नजूर होता है, रिज्क में किस तरह बरकत आती है, परेशानियां किस तरह दूर होती हैं, शादियों के अंदर पैदा होने वाली रुकावटें किस तरह दूर होती हैं। पढ़कर अजमा कर एक मरतबा जरूर देखें, अगर फायदा हो तो उस पर अमल करते रहें, दूसरों को आगे बताते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, बे औलादों को औलाद नूरीना औलाद सालेह अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं सब की औलादों की खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की हर महाज पर मदद फरमाए, अपना, अपने चाहने वालों का और अपने आस पास रहने वालों का खास ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।